दी वेरीफाई करा भाई, बढ़िया लाया पल्ला पल्ला का लाया, खुद ला लिया। किसा लग गया? थारी बुना मशीन क्या आती कौन दादी? सारी चीज आवे है दादी, देखा भी उल्टा लग सुल्टा। यो पाछली बार आई थी जब ले आई थी दादी, हाँ पाछली बार वादे वना आई मारी पंडो बैठ जी दादी, फिर नहीं पोएगी दादी। हमारे दादी का एक बार का यो काम दादी तो लड़ाया ना कभी सासू के लिए। सासू लड़ाया नहीं कर तू, अच्छी बात ना है। हमारी दादी थाने द्वारा भाई डोगा दिखाया करो, हमारी दादी दादी डोगा दिखा देगी वो सबने। जहाज में बैठे पास लागे दो घंटे तो पहले टाइम हो रहा तो तुम्हारी चल लगी किस बैठेगी दिल्ली ते जहाज में आए दादी। फिर चटोरे मेरे सासू को बनवा लिया करिए, ब्रेड पकौड़े ब्रेड पकौड़े बनवा लिया करिए। खाली तो भी आ दादी तुम मैंने याद करेगी, तू कदे बोला सुनना सुन फोन में कदे बिना बोला सिर्फ छोरी बोला सुनता तो है कौन काय पर तो फोन करू दे दादी के गुंडे झूठे इल्जाम लान लागे सारे के सामने। ए अम्मी अनु करा ले तू कदे फोन में बोल दे कौन काय पर मैं रोज नहीं फोन करू हूं बोला कर पड़ी रे ना पर सिर्फ छोरी बोल सके दे सुनते भी कौन दादी ना कदे सुना भी है बताइए मैं बोल लो इस तरह और नु आ सारी आ दादी तो सारी आ कौन कर दी मम्मी तो दो तीन बार फोन करू दी मैं को आ और फिर कई बार एक बार भी कर लियो कई बार दो बार भी कर लियो तीन बार फिर भी कजा हो तू को दादी के तो सुनता कौन है ए करे जा राम रमी करे दादी ना नूनी बेरा पड़ता कौन बोल रहा कौन नहीं। अच्छा फोन मैंने कर गया कौन सी बोल रहा है कौन बोल रहा है सुनो बोल रहा है मैं सारी तू बोल रही हूं अम्मा जी ये आपकी दादी है ना। हां दादी है तो भाई आज हमारे व्लॉग में नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, हम जा रहे हैं दिल्ली के घूमने बाहर खड़ी है तो आज ले लिया तो जा रहे भी थोड़ी ही घबराहट सी मन में है, मम्मी नु करो डॉक्टर आने तड़के इंजेक्शन लगाना भाई डर है मारी वो उन्हें करो मोदी भी तो जा है कहण न तो रही थी अकबर महा मोदी तो नहीं देश ने भी संभाल रहा फिर वही बात है नगर कला मोदी भी तो जा जो सारी आन जा है मैं कला वो तो देश ने भी संभाल रहा है। खैर दादी के पास दबा कर लही सारे विवाद इस टाइम पर हमारी दादी कठार में बढ़िया कर सदाई दाद ऑफिस में बढ़ जाया कर इस टाइम पर रोटी देने के टाइम पर कि मैं कोई जानता हो उस टाइम पर तो आदत है भी पुरानी तो टिक्का काट दिया मम्मी ने माता रानी के जय जय कर ली है और निकल जाएंगे दो घंटे का सफर यार तो दिल्ली ते का दो तो लग गए जाने दो लग जाएगा रात अरे फिर आ गए थोड़े नर्वस हो रही हूँ देखी जाएगी करके हैंडल करूँगी बड़का गिल्ला देखी जाएगी एक ला मार तो फिर भी वो कर ले और बड़का गिल्ला थोड़ा हानू कुछ ना बड़का गिल बलग जी और लग गए उनके उनके कुरकरे कुरकरे गाल दिए के चाल तीन बजे सुवाई हो जान दे पूरे तीन बजे ना निकले अगर पांच मिनट ऊपर हो जान दे दादी की देवा गई लोड़ या नहीं करे अगर पांच दबाया करे मैं जब हम जाओ नहीं जहाज ऊपर को जाओ यूर को तो कितना जागा बाय कर दिया पहले नो सोचा करते छोटे थे बाय करया करते जहाज में अभी उन्हें दिख दे होंगे के दिखा था रात का टाइम हो गया ना था ना बादला को ऊपर जाई दिखो और ये कम दिखा है बादल को दिखा रात में तो नु लग तो तला सही बादला थी ऊपर देखा जमीन ये तो ये नीचे लैंडिंग कर दिया कर दिया हमें है अच्छा दिल्ली नजदीक एरिया है जाते
तो यू उतरता उतरता नीचा आकर नजर नू जा है एकदम थोड़ी उतरा उतरा है धीरे धीरे नीचे उतरता उतरता अगली वो बादल पर आकाश आ रहा हूँ फुट ऊपर जा है कई बार नू लागो बादलों में छुप गया नू हो गया अब राजस्थान का निर्णय उस साइड में नू लगा है और तो फिर भी सार नजदीक लग गए एयरपोर्ट जिनका एयरपोर्ट दूर होने उन नवीरा बाट है तो नू सोचा उधर भी बाहे करेंगे मैंने कह दी कदम मैं जहाँ से बैठूंगी नहीं ऊपर तो नहीं पीसेगी भाई थोड़े पीसेगी मैं दिखा किस दौर पहुंचेंगे तो ज्ञान को नहीं होया करता वो ये बात है ये वेरा बाट है कभी मैंने लैटरिन बाथरूम बड़का देखा हूँ किसा हो जाओ भड़का तो देखना चाहिए भाई किसा के हुआ चलिए जाओ सवाई होगी तीन तो अभी हम पहुंच जाएंगे भी फिर मिलती हूं और चाची वीडियो नहीं बनाऊंगी बेटा बना वीडियो बना और ठीक है फिर चाची जी मैं तक नहीं दिखाऊंगी हां देखेंगे बेटा हां ये नहीं हंसती देखोगे और मैं हंसती देखो चलो चलो ठीक है बेटा है ठीक है दे फोन कर दिए बेटा ठीक है चाची हां बेटा ले तो तोड़ लगी अरे दे जो बाय बाय कर दे नाम अभी गुड़गामा सिटी होने वाली है यहाँ से कुंडली मानेसर एक्सप्रेस तो गुड़गामा तो होगा होगा जावांगे मैं तो भाई दो ढाई घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे दिल्ली एयरपोर्ट पे और यहाँ का देखियो बिल्कुल एकदम से अलग ही नज़ारा लगा क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता पहली बार जो था फाइनली भाई हमारी एंट्री हो चुकी है पापा तो गए बाहर तक गेट नंबर में एंट्री करवा दी और ये देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमने एंट्री करते ही लाइन दिखी ट्रॉलीज की और वहाँ से हमने ट्रॉली ले ली थी सो चले अब देखते हैं अभी हमें काउंटर ढूंढना है और वहाँ से बैग ले लेंगे हमारे देखते हैं कैसा क्या रहेगा अलग ही दुनिया में आगे पता नहीं भाई मुश्किल क्यों लगता है लोगों को मेरे को तो बिल्कुल अंदर आने के बाद इतना रिलैक्स फील हुआ उनसे पूछ लिया फ्लाइट पता होनी चाहिए कौन सी है उन्होंने कह दिया चेक इन करवा लो आंटी में मैं चलो ठीक है हाँ और ये देखो ट्रॉली बैग खाली मना सो फाइनली यहाँ पर चेक इन हो जाएगा और फिर हम अंदर चले जाएंगे वहाँ से जो स्वयं सेवा चेक इन सेल्फ चेक इन लिख रखा था वहाँ से ये बैगेज के लिए ये दे दिया है और बोर्डिंग पास दे दिए हैं और यहाँ पर जो बैग मेरे साथ जाएगा ना ये तो मेरे पास रहेगा और जो उनसे दो बैग है रजिस्टर्ड जो दो ये दिए हैं तो ये आगे निकाल देंगे यहाँ से जितना मुझे पता है जितनी मैंने वीडियो देख के नॉलेज ली है उसके अकॉर्डिंग ये मुझे एक चिट देंगे जो मेरी मेरे पास रहेगी जब मैं बैग कलेक्ट करूँगी तो आराम से कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि मैं ठंडे दिमाग से आराम से जितनी डर रही थी उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है सच बताऊँ तो यहाँ पर ये वेट हो गया है अब स्लिप देंगे एक बात है भाई यार इज्जत पूरी देवा जान दे नमस्कार करेंगे मतलब पीछे वसूल से हो जाए कति जमा किसी तक कि मैं पूछ रहा हूँ नाटक होनी जमा बेधड़क पूछो जित ना मेरा ना नॉलेज हो आराम से बता देंगे आपने वहाँ जाना है वहाँ से ये आपको ये मिलेगा तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आई मैंने सच्ची बताऊँ मैं जितना मैं डर रही थी नहीं 1% भी मतलब मैंने कोई दिक्कत नहीं हुई ये पर हमें भाई हेल्पर मिल जाता है जो हमें छोड़ के आता है गेट तक अंदर एंट्री होगी है कितना बढ़िया होली के लिए कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है भाई देखो गुलाब के फूलों से ये देखो भाई गुजिया लाड्डू लास्सी सारी चीज़ें रखी पिचकारी पिचकूरी लाड्डू लुड्डू सेलिब्रेटिंग मस्त है नहीं मन तो लग गया गजब
बीच में डोल तो रहा है एंडी लागे। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हमें ये कुछ देखने को मिला। अंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, साफ़ सफाई पूरी थी। उसके बाद वही मैं पहुंच गई एयरपोर्ट का, मैं चलो वॉशरूम और देख के आवा। खैर जैसा मॉलों में हुआ है नुए है, बढ़िया लग गया, मतलब साफ सफाई पूरी थी। और यूरा मतलब बच्चा का डायपर वगैरह चेंज करने खातर जगह दे रखी है, या टेबल सी खुल जाए इस पर बिठा कर आमता है। और मैंने फिर टचअप कर लिया है यहाँ पर, ये कुछ पोर्शन दे रखा है जिसने स्मोकिंग के लिए जाना, प्रेयर लिए जाना है वो प्रेयर कर आओ। इसने कहा बोर्डिंग एरिया जित हम बाट देखा घंटे पहले, हम आराम तक आ गए हम बैठ गए हैं और यहाँ से ही एंट्री होके आगे फ्लाइट में बिठा देंगे, हमने बैठ जाएंगे हम खुद ही जाकर। तो ये देखो कति मस्ती करने लग रहे हैं, कति जी लग रहे हैं पता है। और उर्वी अच्छा, तो जब पूरा वो जगह नहीं जब हो जाएंगे जब दिखाऊँ तारती आगे का सफ़र। ये इतना टाइम है तो मैं खाना वाना लेकर आ रही हूँ अपना, और थर्मोस में दूध भी लिया ही बड़का ने पियाने खातर, और कॉफ़ी के पाउच और शुगर सारी चीज़ लेकर आ रही हूँ। तो कॉफ़ी बना के पी रही हूँ, मेरा इतना कड़ा जी कर रहा है बस पूछो ही ना। तो देखते हैं कितनी देर में की कुछ हुआ है, और जो इसकी मस्ती है वजह ले रही है तो हम देख सको हूँ। तो भाई हाल फिलहाल अभी बोर्डिंग एंट्री हो चुकी है, और अभी यहाँ से ऐसे जाके फिर नीचे तो वहाँ जाएंगे। तो देखते हैं बने रही रास्ता लास्ट तक। चल 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 देखो कितनी बड़ी बड़ी चार्ज है, ऐसे ही हम आए हैं। डायरेक्ट एंट्री थी, नीचे उतर कर कौन था सीधा तो पता ही कौन चला। मैं तो सोचती थी बाहर भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये देखो मैं आपको दिखा दूँ बाहर का। हमारी उर्जा रानी उर्वी बैठो आराम से, बैठ गई है। देखो भाई बाहर का नज़ारा, वाओ लग रही है। चलन लग गई है, ये निकल जाएगा, शुरू हो गई पीछे बैक होने लग रही। तो भाई अभी तो बहुत टाइम खड़ा है और हम आराम से बैठ गए। मतलब नहीं तो खुल जाएगा। और मैं भाई मेरा क्यों करके एक्सपीरियंस रहेगा हर एक मोमेंट, मतलब जिस टाइम फ्लाइट उड़ेगी तो उस टाइम पे मतलब क्यों कर फील होगा वो सारा रिकॉर्ड करना चाहूँ। मतलब कोई क्वार्टर लग गया करा है, कोई खोकाना अंतर तो इधर, तो मैं देखना चाहूँ करके ठाक दिखाऊँ। मैडम भाई समझावे क्यों करके करना है क्यों कर नहीं, मास्क लाना है नू लाना खाना दे पाना। वो जा दिया भी बाहर चांदना दिखा है कि उड़ांगे बदला पे एक बात भी, जितना मैं बाहर डर रही थी नहीं और बैठे पास इतना डर कौन लगता, कुछ भी नहीं लग गया। और ये बेरा नहीं क्यों करके होगा, बिल्कुल भी नर्वस कौन है। तो मैं जमा नॉर्मल जो बस में बैठा कर पिछले दो तीन मिनट तो गूँ की आवाज़ आ रहा है तेरा नहीं के तुम उड़ेगा कि तो होगा देखा अभी दो एक मिनट रुक तो जा बंदे रहा। मैं थाना मेरे की एक्सप्रेशन दिखाएंगे भाई फिर बता दी। तो स्टार्ट हो गया अभी हमारी जर्नी फ्लाइट की, चलो चढ़ गया आसमान में। देखो ये देखो वाह
नहीं नीचे क्यों आएंगे? अभी तो हम और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं। देखो और भी, देख पूरा शहर दिख रहा है ना, फुल सिटी दिख रही है ना आपको। चढ़ गया अभी, थोड़ा सा महसूस हुआ जो हल्का सा, पता भी नहीं चला, अंधेरा है ना। लाइट जगमग जगमग हो रही है। तो अभी बैठते हैं, आ गया था हमारा खाना अलग अलग, उर्वी का, मेरा ऊर्जा तो इन्फेंट में है तो इन्फेंट का तो खाना आता नहीं है, लेकिन मांग सकते हैं अगर दूध वगैरह चाहिए ना तो सुना दे देते हैं। तो अलग से वीडियो डालूंगी खाने में जो क्या क्या मिला हमें। और बाद में फिर मैं चली गई थी वॉशरूम में, क्योंकि मैं ना देख रहा था भाई जरूर कि भाई बाथरूम किस आवाज का। देखो जो जा रहे हो ना तो देखो बेरा ही हो, लेकिन जो नहीं जा रहे हैं उनके तो मन में हो गई है, तो वो भी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी, छोटी सी एक डेढ़ मिनट की बनाई थी। और बस उड़ गए थे भैया भाई जहाज में, आसमान के ऊपर थे, मन में वो फीलिंग आ रही थी आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो ओ भाई जितना मतलब अपने जब मन की हो जब पूरी, तो वो खुशी अलग ही हो है, तो वो खुशी मैंने फील करी और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपके साथ हर एक मोमेंट शेयर करती हूँ। तो इसमें ये दे रखा था बैग, मैं कहूँ ये क्या है, फिर इसमें लिख रखा था कि भाई अगर किसी को उल्टी वगैरह आ रही है ना तो इसमें माँ इतना मुँह फाड़ांगे, इतना उल्टी पड़ेगी, इतना तो पड़े नहीं जाओगी, इसने खोल लाँगे। खैर और भी हमारी खाना खाते ही सो गई थी, चित हो गई थी और पता ही नहीं चला कब 2 घंटे में हम नीचे पहुँच गए। तो यहाँ पर ये देखो, खुशी देख सकते हो आप मेरी फेस पे। तो यहाँ जो बस लगी हुई थी उसमें बैठ ली है, रात के पूरे 12 बज रहे हैं। न्यू हैदराबाद, हैदराबाद बहुत बाद एयरपोर्ट है। और एक और बात वही मना तो खैर बाद में मेरा बाकी। देखो ये जो गाड़ी सी मिला है नहीं एयरपोर्ट पे, तो ये अपना अपने जगह तक पहुँचाने में फ्री में पहुँचावेंगे। बालक लोग गोदी में होते तो क्यों उनकी जरूरत नहीं है कि भाई थाना पाएंगे, सुनना जरूरी है। तो फिर यहाँ पर हम पहुँच गए थे अपना बैग लेने एयरपोर्ट पे, पहुँच गए। इस बेल्ट पे बैग आ रही थी हमारी, 4 नंबर बेल्ट पर अपना बैग आऊगा वो उठाना है। कभी आसान ट्रैवल करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भैया बेल्ट होता है जिस पर सामान आ रहा है, तो सब ने तार लिया, हमारा तो 5 नंबर पे था, 4 पे, तो हम तो तार लिया अपना। और यो भी दिखा था उड़ते ऊपर तक ना लैंड करा जब, और मतलब नो जी लागण का काम तो है नहीं, फिर भी थकान तो है जहाँ बड़का गिला। बाकी ट्रेन तो बढ़िया है। तो भाई आगे हमने ये मिल गए लेना, आगे बताओ तो सब्सक्राइबर पूछा है, बताना हेलो क्या तो छोटे आए थे बना बड़ काम पड़ रहे हैं, बताए देना मात ना बतावे। हाँ हाँ गिल्टी फील कर रहे हैं भाई, जा तो करो कैमरा वो कर दे नो कैमरी गलती होगी नो हो गया अब चलो कोई नहीं हो जा कर। और तो रात के 12:15 बज गए, टैक्सी मारी बाण लाग रही है, 12:30 बज गई, 12:35 ये मैं तो सवा एक बैठा करी थी भीतर तो बाहर आए हाँ इतनी आठ 15 मिनट उठ जानी है यड़ी सी सी छोरी थी हवा ही कुंडे जमान कौन है कंधी। तो फिर टैक्सी आ जाएगी 5-7 मिनट में और फिर चले जाएंगे बैठ कर। उन्होंने कहा मैं है भाई डर लग गया, कुछ भी कौन बिना पड़ता, मैंने कुछ को लिफ्ट में चढ़ानी आप, मैं इतनी नर्वस हो रही थी और इतनी एक्साइटेड थी बस नो गाड़ी में बैठ कर स्मूथ रोड होगा बस नो एक बार तो चढ़ दान मेरा पट्टा हल्का सा जो लिफ्ट में चढ़ा रहा एक बार उतर दान नो फरीस कुछ भी को नहीं नो धक्का भी नहीं लगता भी नु कह दिया इतना डर लगा सब
बहम है, बकावा है, इसलिए मेरे ब्लॉग देखा करो। मैं साची बात बताऊँ सामने, कोई डरावा नहीं है। तो ये बोर्डिंग पास काम के बन के याद ही भाई हमारी जहाज की यात्रा करा पहुंच जाएंगे। चलो थाम तो सो जाओ, हमने तो जागना है पहुँचागे टाइम पास होगा। तो अभी पहुंच गए, इनका दूध आता तक करया, फिर इन्हें चाह बनवाई, तो सोए इतना हमने 3 बज के थे।